गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 7 साइकिल की सवारी अभ्यास प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्न से पहले यहाँ दिया हुआ है श्रुतलेक उच्चारण, तो देखते हैं उच्चारण को। प्रारब्ध, फिसड्डी, मरम्मत, युक्ति, श्रद्धा, तसल्ली, जख्मी, पुर्जे, पट्टियां, इल्जाम, निरुत्तर। मौखिक प्रश्न, लेखक कौन सी दो विद्याएं सीखना चाहता था? आप यदि वीडियो वॉच किए हो, चैप्टर पढ़े हो, तो इसका आंसर जो है नेक्स्ट मीटिंग में, मौखिक प्रश्न का जो आंसर है उसको मैं मीटिंग में जो है आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, लेखक ने साइकिल सीखना कब प्रारंभ किया? लेखक फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत क्यों कर रहा था? तिवारी जी ने लेखक की किस काम में मदद की? साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने कौन सा स्थान चुना? उस्ताद ने लेखक से साइकिल चलाना सिखाने की कितनी फीस ली? तो ये तो रहा आप लोगों का मौखिक प्रश्न, जिसका आंसर मीटिंग में आप लोगों को देना है। नेक्स्ट चलते हैं सही गलत। सही गलत, नीचे दिए गए वाक्यों का एक अंश गलत है, उसे पहचानिए, गलती सही करके वाक्य दोबारा लिखिए। लेखक को साइकिल चलानी सीखने की प्रेरणा तिवारी जी से मिली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेखक को साइकिल चलाने की प्रेरणा तिवारी जी से मिली थी क्या? नहीं, तो यहाँ पर तिवारी जी से मिली को काट करके, है ना, हम क्या, ये सेंटेंस गलत है, लिखेंगे लेखक को साइकिल चलानी सीखने की प्रेरणा अपने लड़के के साइकिल चलाने से मिली, क्योंकि लेखक जो है अपने लड़के को चलाते हुए फर्स्ट देखा ना, तो उनको लगा कि ये लड़का चला लेता है और मैं अभी तक चलाना नहीं जानता, तो उनकी उनसे लेखक को किन से मिली प्रेरणा? अपने लड़के के साइकिल चलाने से मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि उन्हें पहनकर वह जहांगीर के मकबरे पर जाना चाहता था। क्या जहांगीर के मकबरे पर जाना चाहता था? नहीं, यदि आप वीडियो वॉच किए हो तो समझ गए होंगे, है ना, लेखक फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि उन्हें पहनकर वह साइकिल चलाना सीखना चाहता था। तो इस प्रकार से यह जो जहांगीर के मकबरे पर जाना चाहता था, ये वाली सेंटेंस रॉन्ग है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये रॉन्ग है, और इसके जगह में क्या लिखना है? साइकिल चलाना सीखना जाना था या साइकिल चलाना सीखता। नेक्स्ट है, पुरानी साइकिल को ठीक करने के लिए लेखक ने बाजार जाकर जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए, तो इसमें क्या है? पुरानी साइकिल को ठीक करने के लिए था क्या? नहीं, तो यहाँ पर पुरानी साइकिल को ठीक करने के लिए लेखक ने बाजार जाकर जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या होगा, साइकिल से गिर जा पड़े तो चोट लग चोट पर साइकिल से गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक खरीद लिया। किसके लिए खरीद लिया? साइकिल से गिर पड़े तो चोट कहीं लग जाए उस पर लगाने के लिए जंबक खरीद लिया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पुरानी साइकिल को के अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं साइकिल को, साइकिल से गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए लेखक ने बाजार जा कर के 2 डब्बे खरीद लिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस दिया है ना, नीचे दिए गए वाक्यों का एक अंश गलत है बोला है, इसीलिए हम पूरे को गलत नहीं कर सकते, ठीक है, और है भी नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए, पुरानी साइकिल को ठीक करने के लिए ये रॉन्ग है, यहाँ पर किसके लिए आ गया, साइकिल से गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए, फिर यहाँ पर ये सेंटेंस आपका सही है। तो इस प्रकार से ये जो पुरानी साइकिल को ठीक करने वाला के लिए वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और अदर जो है लेखक ने बाजार जाकर जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो अंश है यहाँ पर ये गलत है। लेखक के उस्ताद का नाम श्री लक्ष्मी, है ना, लेखक के उस्ताद का नाम लक्ष्मी नारायण तिवारी था। लक्ष्मी नारायण तिवारी था क्या?
नहीं था। तो यहां पर क्या लिखेंगे है ना कि लक्ष्मी नारायण तिवारी, लेखक के उस्ताद का नाम लक्ष्मी नारायण तिवारी था। ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। लेखक के उस्ताद का नाम यहाँ पर लिखेंगे लक्ष्मी नारायण तिवारी नहीं था। लक्ष्मी नारायण तिवारी नहीं था लेखक के उस्ताद का नाम, या यहाँ पर लिख सकते लेखक के उस्ताद का नाम लक्ष्मी नारायण तिवारी नहीं था। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेखक के उस्ताद का नाम लक्ष्मी नारायण तिवारी नहीं था। जो ये सेंटेंस दिया था है, दिया है कि लक्ष्मी नारायण तिवारी था, तो ये गलत हो जाएगा। लेखक के उस्ताद का नाम लक्ष्मी नारायण तिवारी नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, पहले दिन लेखक को इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी और एक लड़के ने छींक दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले दिन लेखक को इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि अभी घर से निकले ही थे कि, क्या हो जाएगा सेंटेंस, ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है यहाँ पर रॉन्ग है। पहले दिन लेखक को इसलिए लौटना पड़ा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, अभी घर से निकले ही थे, अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई यहाँ पर और एक लड़के ने छींक दिया, इतना आंसर होगा। तो पहला वाला स्टेप अंश यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बुक में कैसा दिया हुआ है, अभी घर से निकले ही थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडरलाइन के आप जो है वहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई थी को नहीं लिखना है, और एक लड़के ने छींक दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं नंबर चार। जिस तांगे से लेखक की टक्कर हुई थी उसमें तिवारी जी और उनका परिवार बैठा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला वाला सेंटेंस तो सही है, जिस तांगे से लेखक की टक्कर हुई थी उसमें तिवारी जी थे क्या, नहीं थे, उसमें लेखक की श्रीमती जी बैठी हुई थी। तो यहाँ पर सेकेंड अंश है वो गलत है, जिस तांगे से लेखक की टक्कर हुई थी उसमें लेखक की श्रीमती जी वहाँ लेखक की श्रीमती जी बैठी हुई थी। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। किसने किससे और क्यों कहा, किसने किससे और क्यों कहा, ये तो फेंक दिए थे आप कहाँ से उठा लाए, किसने कहा, लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा, लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े थे। जो सेकेंड है, जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। किसने किससे कहा, लेखक ने अपनी पत्नी से कहा, लेखक ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी मानो तो रोग ना पालो, अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, तिवारी जी ने लेखक से कहा। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है, लेखक ने उस्ताद से कहा। इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो, साइकिल पर सवार हैं, तो किसने कहा, लेखक ने तिवारी जी से कहा। इस प्रकार से ये आप लोगों का बैक एक्सरसाइज में सही गलत और किसने किससे कहा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पाठ बोध, पाठ पर आधारित प्रश्न, कितना आप लोग समझे हो उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साइकिल चलाने की विद्या से समय डैश है और हारमोनियम बजाने से समय डैश है। साइकिल चलाने की विद्या से क्या होता है, समय बचता है, और हारमोनियम बजाने से समय कटता है। यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। गुर मीन्स अत्यंत अच्छी युक्ति है ना। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं।
हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किससे? श्रद्धा से। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। नेक्स्ट दिया है, आइए विचार करें, है ना। लिखित लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न को मैं आप लोगों को नोटबुक में सेंड करूंगा, है ना। आइए विचार करें, मान लीजिए आप लेखक के उस्ताद होते। मान लीजिए एक क्षण के लिए लेखक साइकिल चलाना नहीं सीख पाया, क्या ऐसे में उसकी फीस लौटा देते? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? इसका आंसर आप लोग मीटिंग में बताइएगा, ठीक है। यदि लेखक साइकिल चलाना सीखकर साइकिल ट्रेनिंग स्कूल खोल देता तो क्या उसका स्कूल चलता? अपने उत्तर के पक्ष में उचित तर्क दीजिए। ये आप लोगों को बताना है, क्या यदि लेखक साइकिल चलाना सीखकर साइकिल ट्रेनिंग स्कूल खोल देता तो क्या उसका स्कूल चलता? अपने उत्तर के पक्ष में उचित तर्क आप लोगों को देना है। तो इसका जो है प्रिपेयर आप लोग करिएगा, मैं सब आप लोगों से मीटिंग में पूछूंगा। पाठांश पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर, है ना, साइड से हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा दो चार कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा, ब्लड जम जाएगा। लेखक ने लोहे का घोड़ा किसे कहा है? साइकिल को कहा है। लेखक के सामने क्या दुविधा थी? यह दुविधा थी कि युद्ध क्षेत्र में डटे रहे या हट जाए। चोट लगने पर लोगों ने लेखक की सहायता किस प्रकार की? तो इसका आंसर होगा, लेखक जब साइकिल से गिर गया तो सब ने मिलजुल कर लेखक का पांव साइकिल से बाहर निकाला। एक ने जंबक लगाने का सुझाव दिया। इस प्रकार से चोट लगने पर लोगों ने लेखक की सहायता की। सहानुभूति शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राम के चोट लगने पर पड़ोसियों ने क्या किए? सहानुभूति दिखाई। दयावान शब्द का भावाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? दयावान शब्द का भावाचक संज्ञा शब्द दयालुता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों से कीजिए। अध्यापिका ने मधुरिमा को बहुत समझाया पर उसके कान पर जू न रेंगी, जू न रेंगी। साइकिल सवार बनने का लेखक का सपना आसमान की तारे तोड़ने जैसा था। लेखक साफ समझ गया कि तिवारी जी ईर्ष्या जल भुन गए हैं, तांगे वाले को अपने सामने देखकर लेखक के हाथ पांव फूल गए। लेखक साइकिल चला रहा था और दिल ही दिल फूला ना समा रहा था। मोहरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। मोहरे के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित रीतिवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। श्रीमती जी ने हमारी तरफ देश दृष्टि से देखा, एकाएक नीची अचरज भरी तेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण? अचरज भरी, आश्चर्य की दृष्टि से। फिर कुछ भी
फिर कुछ ही में आया तो उसका हैंडल पकड़कर डैश चलने लगे धीरे धीरे अभी वहाँ ऊपर, तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे। पत्नी ने हमारी वो डैश देखा अब इधर उधर मुस्कुराकर तनिक, तो आंसर होगा मुस्कुराकर। नेक्स्ट दिया हुआ है डैश तिवारी जी आते दिखाई दिए, सामने से सहसा आमने सामने प्रातः, तो इसका आंसर हो जाएगा सामने से। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति अथवा प्रकार का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अचानक दरवाजा अचानक खुल गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी क्रिया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके नेक्स्ट दिया हुआ है साइकिल की सवारी पाठ से तत्सम तद्भव अंग्रेजी व उर्दू के चार चार शब्द को आप लोगों को क्या करना है लिखना है। ओके तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा प्रारब्ध जंबक श्रद्धा और क्रोध, तद्भव बाजा आंख महीना पांव, अंग्रेजी शब्द प्रिंसिपल प्रोफेसर फीस हैंडल, उर्दू शब्द ख्याल शतरंज इल्जाम मुफ्त। क्रियाकलाप में दिया है बातों बातों में कक्षा में अपने साथियों को कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिसे सुनकर वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। फिर यहाँ पर परियोजना कार्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फिर मेरी कलम से ये वाला आप लोग पढ़िएगा है ना। परियोजना कार्य को देख लेते हैं, अपने पुस्तकालय से हास्य अथवा हास्य व्यंग की पुस्तक लेकर पढ़िए। हास्य और व्यंग क्या में क्या अंतर होता है इसे समझने का प्रयास कीजिए। जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई विषय पर एक काल्पनिक अनुच्छेद लिखी, ये भी आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है। साइकिल पर एक विज्ञापन बनाइए, तो इसमें से ये परियोजना वर्क है कार्य है, इसको प्रोजेक्ट के रूप में आप लोग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यदि इस चैप्टर में किसी प्रकार से डाउट होगा तो आप लोग क्लियर करिएगा मीटिंग में। ओके